अभी मुझे बहुत जोर से चीखना पड़ रहा है क्योंकि कैमरा बहुत ज्यादा दूर है। तो चलो अभी चलते हैं। आलियान सर का देखिए, ये इन्होंने व्लॉग में इसीलिए लिया क्योंकि इनका बिल्कुल परफेक्ट है ना। गाइस एक चीज कमेंट करके बताना आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छे लग रहे हैं या फिर इनका नाम क्या है। आलियान का तो सबसे ओवर एक्टिंग के 150 रुपए काट। हमारी थार से और यहाँ पे देखो भाई हाईवे पे कोई गाड़ी खराब हो गई है, इसका टायर चेंज हो रहा है। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं डायरेक्ट जिम के लिए और आप लोगों को पता होगा कल कितनी खतरनाक वाली बारिश हो रही थी, वैसे बारिश अभी भी हो रही है। गाड़ी की हालत देखो भाई, गाड़ी की क्या हालत हो गई है देख रहे हो। शाम को जब हम वापस आए ना तो सारे सर्विस सेंटर बंद हो गए हुए थे, गाड़ी की इतनी ज्यादा बुरी हालत है ना, इतनी ज्यादा बुरी हालत है। ये देखो कीचड़ देख रहे हो, अंदर तक कीचड़ हो गया। इसकी मैंने डीप क्लीनिंग करवाई थी, पॉलिश वगैरह करवाया था, सारी चीजों पे पानी फिर गया भाई, सारी चीजों पे बारिश फिर गई। तो देखो क्या हालत हो गई है गाड़ी की। सो अभी सीन ऐसा गाइज, अभी हम जा रहे हैं जिम के लिए एंड गाइज आज हमें अपनी थार की फुल सर्विस भी करवानी है, ठीक है। तो आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है यार, मैं जिम को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर क्या करूँ यार, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ। और हाँ गाइज एक गुड न्यूज है, मैंने अपनी थार का एक अच्छा सा नाम सोच लिया है, ठीक है। तो आपको रिवील कर दूं कि हमारी थार का नाम क्या है। तो हमने अपनी ब्लैक थार का नाम रखा है छोटा। कमेंट करके बताना भाई ये नाम कैसा है। आगे है रेड सिग्नल और ट्रैफिक वाले भी खड़े हैं, रुको जरा मुझे फोन नीचे करने दो नहीं तो चलान हो जाएगा। भाई आजकल ट्रैफिक वालों ने नया शुरू किया है, कुछ रुकाते वुकाते नहीं है, सीधा नंबर प्लेट की फोटो खींच लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं बचा हूं, मेरी गाड़ी की भी फोटो खींचने लगे थे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमने अपनी थार का नाम रखा है छोटा। कमेंट करके बताना भाई नाम कैसा है, अगर आप लोगों को नाम पसंद नहीं आया तो हम चेंज कर देंगे। वैसे ये नाम इस पे इतना ज्यादा सूट हो रहा है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा नाम इसका हो सकता है। छोटा एक पंजाबी वर्ड है, इसका मीनिंग मतलब जो हैवी चीज होती है ना, फॉर एग्जांपल जो बल्की चीज होती है उसको छोटा बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे तो सूट हो रहा है अच्छा खासा। बाकी गाइस अभी जिम चलते हैं, आज मुझे लेग्स करनी है, लास्ट टाइम भी मेरी लेग्स स्किप हो गई थी यार गाड़ी के चक्कर में, पर आज मैं जल्दी जल्दी निकल गया हूँ लेग्स करने के लिए। फिर चलते हैं सर्विस भी करवाते हैं और गाड़ी को वॉश भी करवाएंगे। A few moments later. So guys, अभी हमें जिम में यहाँ पे चेक कर लो, अभी हम करने वाले हैं BMI, दिव्या गुरु व्लॉग्स हमारी BMI करने वाले हैं। आप एक्साइटेड है BMI करने के लिए? ओके गाइस, तो अभी हम BMI करने वाले हैं, लेट्स गो। अच्छा पासवर्ड, ओके पासवर्ड एंटर कर लिया हमने। अभी तेरा फोन नंबर डालें तो दिखा देगा? नहीं नहीं यहाँ पे वेट मेजर हो रहा है, अभी हिलना नहीं है। हिलना नहीं है गाइस बिल्कुल भी, तो हिल रहा है ना, रुक जा कॉन्स्टेंट। वेट आ चुका है, अब मोबाइल नंबर डाल। ओके गाइस, गाइस हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। खाने तो दो गाइस को यार, रुको यहाँ पे हाइट है, एज एंड ये है जेंडर। एंटर, हटाओ, कह रहे हील्स को अच्छे से प्लेस करो, ग्रैब द हैंडल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर दिखाओ इधर दिखाओ, ऐसे थंब इस पे रखना है, ठीक है हैंडल पे, ये और ये वाला, ये उधर दिखाओ उधर दिखाओ। तो गाइस हमारा भी BMI ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। अभी प्रिंट निकलेगा, प्रिंट देखते कैसा आता है। ये इन्होंने देखो आ गया, आ गया प्रिंटिंग, छोड़ दूं। यस सो फाइनली गाइस प्रिंट आ चुका है हमारे BMI का, ठीक है। तो बताओ भाई कैसा है? ओ ब्रो मैं दिखाती हूं ना, पर वो हटाओ ना नंबर, हटा दिया यार, कितना सही देख रहा है स्ट्रेचस का BMI देख ब्रो, बॉडी वाटर कितना आना चाहिए 36 से 45 और इसका परफेक्टली 45 आया। प्रोटीन तो भाई के तो ओवर आ रहे हैं। देखो देखो गाइस प्रोटीन चेक करो, एक मिनट रुको, प्रोटीन होना चाहिए 9.9 से 12.1 मेरा है 12.5 और अभी मैं डाइट भी फॉलो नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रो, मिनरल्स कितने सही है इसके बॉडी भाई, ओवरऑल स्कोर देखो इसका 86 मतलब मैं इतनी देर से जिम कर रही हूँ, मेरा 76-75 आता और वही। हमें करने की जरूरत नहीं है, वी आर जेनेटिकली ब्लेस्ड यार, ट्रू वेरी ट्रू। और देखो हमारा हमेशा ना मतलब जो बॉडी मास होता है वो ज्यादा होना चाहिए और इसका एकदम परफेक्ट आ रहा है, वेट भी इसका परफेक्ट है 55 यार। यहाँ पे देखो आप, मेजर मेजर यहाँ पे देखो आप, ये देखो मसल मास हमेशा हमारा ओवर होना चाहिए और इसका ओवर है, बॉडी फैट कम मतलब नॉर्मल है, अमेजिंग। बॉडी फैट मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मेरा 5 से 6 में था जब मैं जिम करता था प्रॉपरली, ठीक है अभी मतलब
हाँ मैं जब प्रॉपरली जिम करता था ना डेली, तब मेरा 5 पे था, ये अभी आ गया 10 पे, ऑलमोस्ट बहुत फैट बढ़ गया हुआ है मेरा, मसल मास तो मेरा हमेशा से ज्यादा ही रहता है, बाकी ठीक है ना। बढ़िया है ना, मतलब गाइज अभी हम रह सकते हैं थोड़ी, थोड़े साल जिंदा रह सकते हैं, ऐसी कोई बात। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज, आप भी करवा लो आपके। नहीं नहीं यार, चलो ठीक है, श्रेष्ठ भाई का भी ये BMI आ गया है, भाई का है 68, बिल्कुल ऑपोजिट 86 के 68, बाकी बढ़िया यार। अच्छा अच्छा, जिम भी छोड़ी हुई थी यार, वो भी कंसीडर करो यार, ऐसी बात नहीं है, कोई जज नहीं करेगा किसी को भी यार, सबसे ज्यादा जज आप ही करते मेरे सामने। हाँ इनका पता कितना आएगा, इनका पता कितना आएगा फैट, मुझे लगता है 98। आपकी बात देखो, तो वर्कआउट के बाद अच्छा ही आएगा ना, खराब खराब तो नहीं आएगा ना, देखो देखो देखो, वर्कआउट के बाद अच्छा ही आएगा, खराब नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वैसे मेरा फोन ही नहीं है, क्लिप से नहीं देंगे। सो अभी देखते हैं इनका कितना आएगा, मुझे लगता है फैट परसेंटेज 98 के करीब करीब। बंद करो, मैंने वर्कआउट कर लिया, जबरदस्ती करा रहे मेरे ट्रेनर, मैं तो गप्पे देगा, बोलते कि ये क्या कर रहे हो आप, ये देखो भाई तू हमारी ट्रेनर है तू। देखो अंदर आ रहा, मैं दो तीन बार मुझे ड्रिप लग गई थी। ओहो चलो गेस करता हूँ, मैं गेस करता हूँ, एक अच्छा गेस देता हूँ मैं, पता कितना आएगा, 72, हाँ 72-75 के बीच में आएगा, देख मैं बोलते 75 से 80 के बीच में। इसने किया होगा इसका। अच्छा उल्लू बना रहे हो हमें, आ गया गाइस, आ गया 76। ओ भाई आपने कल किया था, कल किया था हमें। लो गाइस अब कंपैरिजन कर लेते हैं, इन बॉडी स्कोर आया इनका 76, ठीक है, बॉडी वाटर भी इट्स लाइक बड़ा कम आया है 28 से, वो होना चाहिए, मेरे को पानी पीना पड़ेगा, और प्रोटीन भी कम आए हैं, मिनरल्स भी कम, कहाँ आया प्रोटीन 7.8 आया आपका, मतलब मिनिमम वाले पे आ रहा है ना सब, बट ठीक है, बॉर्डर लाइन से थोड़ा ऊपर है, ओवरऑल सारा सही है, सही है ओवरऑल। अभी आप यार 40 की एज में बड़ी बात है, 9 साल है जितना होना चाहिए है ना उसके अकॉर्डिंग, और मसल मास भी मेरा ठीक है, कम हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और फैट ठीक है, बढ़िया बढ़िया, मेरे को करना चलता है, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अरे आज का तो सबसे ओवर एक्टिंग के 150 रुपए काट। चलो ठीक है बाय। तो गाइस अभी हम कंपेयर करने वाले हैं तीनों BMIs को, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा होता है कि आपको मतलब क्या करना है, फैट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, यहाँ पे देखो इनका आया हुआ है कि इनको वेट टारगेट वेट है कि इसको 10 किलो कम करना, कम करना है 10 किलो, बढ़ाने का सोच रहा है इसका, कम करना है इसको, फैट कंट्रोल 10 किलो कम करना है, वेट 8 किलो कम करना है, फैट को 10 किलो कम करना है, और वो कैसे होता है, फैट को 10 किलो कैसे कम होता है भाई, मुझे भी बताना। फैट कंट्रोल आपको ऐसे करना पड़ता है कि जो आपकी डाइट है ना उसको बिल्कुल क्लीन करना पड़ता है, आपको प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा, और ये मेरा है जिसमें मुझे लिख रहा है कि वेट मुझे बढ़ाना पड़ेगा 4 किलो, ओके, और फैट कंट्रोल जो है वो हल्का सा माइनर है, और मसल मेरे को और बढ़ाना पड़ेगा लाइक 3.9 kg, ओके, और आल्यान सर का देखिए क्योंकि इनका बिल्कुल परफेक्ट आया ना, इनको वेट कंट्रोल, रुको 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 वापस बोलो, आल्यान का एकदम परफेक्ट आया है ना, उसको वेट कंट्रोल करना, ना फैट ना मसल, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, तू कोच बन जाना जिम में, तू ट्रेनर बन जा भाई, मैं ट्रेनर था ना पहले, तू ट्रेनर बन जा, देख भाई इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0-0-0 सारे ऐसे रहो, परफेक्ट परफेक्ट, ये BMI मेरे को बोल रही है तू जिम भी छोड़ दे भाई, घर पर आराम से, BMI बोल रहे,
चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय बाय। सो फाइनली गाइस, अभी हम जिम से आ चुके हैं और आपको पता हमारे प्लान एकदम ही बनते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं पत्री टॉप और यहाँ पे चेक करो भाई जिम के बाद क्या खा रहा हूँ। मैं बर्गर खा रहा हूँ, पर आपने मेरी बीएमआई देख ली, मुझे जरूरत नहीं है फैट लॉस करने के लिए, तो मैं बर्गर खा सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो अभी अपना पत्री टॉप का प्लान बन चुका है, तो अभी जल्दी से चलते अपनी गाड़ी को वॉश करवाते हैं। यार मुझे सर्विसिंग भी करवानी थी पर अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया, तो सर्विस हम कल ही करवाएंगे जम्मू आके, ठीक है। तो अभी हमारे साथ कौन कौन जा रहा है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आंटी क्या कर रही है यार। सो गाइस, ब्लैक से हमारी गाड़ी व्हाइट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो भाई, देख रहे हो क्या लग रही है, वाओ। ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ी हुई है भाई। तो गाइज अभी हमारी गाड़ी अच्छे से वॉश हो चुकी है, तो अभी हम निकल सकते हैं पत्नी टॉप के लिए। देख रहे हो भाई अपनी गाड़ी कैसे चमक रही है, और जब ये गंदी होगी ना मुझे भाई बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि ये गंदी होनी होनी है, ऑफ रोड मिलेगा ही मिलेगा हमें पत्नी टॉप के रास्ते में। गाड़ी देखो भाई कैसी लग रही है, ये देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अंदर से दिखाता हूँ आपको, अंदर से चमकाई नहीं चमकाई, ये गंदी होगी थी बहुत ज्यादा, क्या बात है। ये देखो भाई को कुछ बोलना चाहोगे व्लॉग में, गुटका खाना कम कर दो तुम सर, कर दिया सर हमने, गुटना गुटका खाना छोड़ दो ऐसे, ये सही बात नहीं सर, हम खाते हो मुंह खोलो तो सर खाना पड़ता है यार। चलो आ जाओ फिर। तो गाइस अभी घर चलते, मैं कपड़े चेंज वगैरह करता हूँ फिर निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए। यहाँ पे चेक कर लो भाई, यहाँ पे लगी अपनी थार, देख लो भाई कैसी लग रही है। और यहाँ पे आ गए अपने बैग्स, ये रहा अपना एक बैग, ये रहा अपना दूसरा बैग, तो चलो इसको जल्दी से अंदर डालते हैं। ओ भाई खोलना, इसको खुली नहीं क्या, आ जा ला सामान। सो गाइस सामान को अंदर घुसाते हैं, चल नीचे रख दे। ये आ गया अपना दूसरा बैग, ये भी हमने अंदर रख दिया, और ये पानी की बोतल, इसको करो पीछे, इसको यहाँ घुसा दो। गाइस वैसे तो हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, पर आपको पता हमारे प्लान का कुछ पता नहीं होता, कहाँ का कहाँ प्लान बन जाए, इसलिए मैं बैग साथ में रखता हूँ हर बारी। एक दो दिन के कपड़े मैंने साथ ले लिए, अगर आगे कहीं का प्लान बनता है तो वहाँ पे निकल जाएंगे। तो चलो अभी जल्दी से निकलते हैं, आपको बताता हूँ हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। सो फाइनली गाइस अभी हमारे गाइस आ चुके हैं यहाँ पे, गाइस चेक करो भाई, यहाँ पे गाइस चेक करो, थोड़ी और लगा, थोड़ी और चिपका साथ में, हर दूसरी गाड़ी में फ्यूल कॉन्ट्रा डला हुआ है, ये देख लो भाई क्या बात है, देख रहे हो उठी हुई है क्या है। लाओ लाओ आगे लाओ, आगे लाओ, ला 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 ला, आंदे 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 आंदे, और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, आ आ बस। सो गाइस हां वीडियो बन रही है, थंबनेल वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है, टायर दिख रहा है हां। सो पूरी पूरी। सो फाइनली गाइस अभी हम निकल रहे हैं पत्नी टॉप के लिए, ठीक है। तो अभी जल्दी से चलते, कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में, 1 घंटा 1 घंटा अपने हिसाब से चलाएंगे, तो आधा घंटा ऐसे 3 घंटे आपको।